आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी लाइव पे हम आ गए हैं बेटा। तो देखो आज क्लास सिक्स की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और रात 8:30 बजे जुड़ना, हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी के अगले चैप्टर जो है वो करेंगे। तो क्लास सिक्स की एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म होगी आज। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी लाइव नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लिया तो फटाक से हमारे पेड ग्रुप में आओ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमने बहुत अच्छे से मैं कवर कराऊंगा। अब इसके बाद यूपीएससी के सवाल भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी चैप्टर सिक्स मतलब क्लास सिक्स सिर्फ आपको सुनना है, सिक्स सेवन एट तीनों में एक साथ खत्म करेंगे। सिर्फ सुनिए, अभी एक कहानी है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड अभी सेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में या क्लासेस में आपके लिए क्या है। ओके, तो अभी आपको ऐसे सच नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन के आप फ्लो चार्ट अगर आप बना सके तो बहुत अच्छा है। और आवाज आवाज आ रही है ना मेरी, डिस्कस करूंगा। तो अभी चैप्टर सिक्स क्लास सिक्स से आपको सुनना है, सिक्स सेवन एट तीनों में एक साथ खत्म कर। ओके, जुकाम है तो बहुत हुआ है। चलो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ हम बात करेंगे, इसकी तीन चीजों की बात करेंगे। अभी तक हमने कॉन्टिनेंट और आपने सब बैकग्राउंड समझ ही लिया, माउंटेन प्लेटू प्लेन्स, बस पहाड़ पठार मैदान, मजा आएगी। ओ अभी लंका लग जाती मेरी भैया, अति कहमत को मार दिया। सुबह से मैं वही लेक्चर्स डाल रहा हूँ, देखने की देखिएगा जरूर। और हमारे पब्लिक स्पीकिंग भी कोर्स अगर आपने नहीं लिया है, थैंक यू थैंक यू। चलो ओके, सबसे पहले देखो इसमें मैं अब जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, ज्योग्राफी विजुअलाइज करो। तो इंट्रोडक्शन क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जो विविधता है, भू आकृतियां क्या होती है, लैंडफॉर्म्स मतलब खड़े होना जमीन पे, ये लैंडफॉर्म है। कैसे बनते हैं लैंडफॉर्म, जैसे आज मैं लखनऊ में हूं तो ये कौन सा लैंडफॉर्म है, मैदानी क्षेत्र है। आज से 2000 साल पहले यहां कुछ भी नहीं था, सारा पूरा मैदान। जब आप प्लेन से ऊपर जाओ तो आपको क्या दिखता है, मैदान के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हुई है, उनको हटा दो तो मैदानी तो दिखेगा क्यों, तो ये मैदानी क्षेत्र है। दो प्रोसेस होते हैं हमेशा याद रखना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ऐसे ही लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं। अंदर क्या चल रहा है, लगातार प्लेट्स अंदर बाहर कर रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट जिस पे पूरी धरती टिकी है वो पास आ रही है दूर जा रही है ना। वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, राइट। फिर दूसरा एक्सटर्नल, हवाएं चल रही हैं, पानी भर रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, इस वजह से भी लैंडफॉर्म बनते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अप लिफ्टमेंट सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे मान लीजिए कि अगर दो प्लेटें एकदम पास आई तो जो इधर वाला, जैसे ये दो गड्ढा है, गड्ढे में कुछ है, अब जैसे ये पास आएंगी तो ये वाला ऊपर उठेगा ना, ऊपर फेंकेगा इसे, और अगर मान लीजिए कि वो दूर गया तो नीचे जाएगा। ये इंटरनल प्रोसेस है। एक्सटर्नल होते जा रहे, पानी आ रही है, हवा आ रही है, सब कुछ जमा होता जा रहा है। जब अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस, द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस। अब जो वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस होते इसको कहते हैं इरोजन। याद रखिएगा जितने भी लैंड फॉर्म है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इरोजन और डिपोजिशन। इसको आप कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो मैं इस फ्लोर पे पानी डाल देता हूं तो यहां पे जो भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी, वो पानी के साथ साथ आगे जाएगी। ये क्या है, इरोजन, वियरिंग अवे, फेंक रहा हूं मैं, बाहर भेज रहा हूं। हवा से भी यही होगा, अब ये जो गंदगी जा रही है ये कहीं ना कहीं डिपोजिट हो जाएगी, डिपोजिशन। भाई मैंने पानी डाला, मान लो ये स्लोप है, मैंने पानी डाला, बहुत तेज पानी गया, फिर जब ये ऐसे आएगा, ये वापस सरफेस पे आएगा तो ये पानी स्लो हो जाएगा, वहीं ठहर जाएगा, तो जितनी भी गंदगी ये लेके गई कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देगा, डिपॉजिशन। समझ गया, चल बहुत बढ़िया।
ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये है पहाड़, पहाड़ भी अभी तीन तरीके के होते हैं बताऊंगे हम। ये है प्लेट्यू, ये है लेक, ये है रिवर, ट्रिब्यूटरी, प्लेन, डिस्ट्रीब्यूटरी। चलो इसमें हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं आपको। ये है पहाड़, पहाड़ पास आने से बना है, पास आ रहा है, प्लेट्स में मूवमेंट चल रहा है, पहाड़ बन गया, दूर जा रहा है, नीचे चला गया, राइट। प्लेट्यू जो पठार है वो थोड़े उठे हुए लैंड होते हैं, ठीक है। पहाड़ लंबे बड़े होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड होते हैं, उनको कहते हैं प्लेट्यू। और यहां पे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, ढेरों मिनरल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आती है आपकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या, ट्रिब्यूट पानी जो है वो और ज्यादा नदी में जा रहा है, एक नदी है उसके साथ और ज्यादा नदी जुड़ रही है। इसका उल्टा होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, जब नदी डिवाइड हो जाती है बहुत सारे उसमें, ठीक है ना। ये आपका नदी है, नदियां भी पहाड़ से आ रही है। नदी कैसे आएंगी, पानी, पानी कहां से आएगा, पहाड़ से, जैसे हिमालय से लगातार पानी आता जा रहा है ना, बारिश की वजह से पानी आ रहा है। और लेक भी बन जाती, खूब गड्ढा है, गड्ढे में पानी भर गया, लेक बन गई। डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने आपको समझा ही दिया। डेल्टा भी ऐसे ही होता है कि जब भी जो नदी है वो समुद्र में गिरने वाली होती है तो अपने ही भार से, मतलब वो बहुत सारी चीजें लेके आती है और बहुत धाराओं में बट जाती है, और वहां पे ये भी एक तरीके का लैंड फॉर्म है जो कि डेल्टा बनाता है। देन उसके बाद प्लेन, प्लेन भी सेम चीज है कि जो अभी मैंने आपको बताया ना कि इरोजन हो रहा है और वो एक ना एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा, ये चीज है। तो माउंटेन्स की सबसे पहले बात करते हैं कि इट इज एनी नेचुरल एलिवेशन, पृथ्वी की सतह का कोई भी प्राकृतिक उत्थान, नेचुरल एलिवेशन मतलब अपने आप नेचुरली जो ऊपर उठ गया है। इट मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, बेस लंबा होता है कोई दिक्कत नहीं है, हायर देन द सराउंडिंग एरिया, अगल बगल के एरिया से बहुत ऊपर आपको दिख जाएगा। आप जाते हो नैनीताल जाओ, मसूरी जाओ, आपको पहाड़ दिख जाएंगे, पहाड़ों की नादी बोला जाता है मसूरी को। सम माउंटेन्स आर इवन हायर इन द क्लाउड्स, जैसे आप अभी मैं कश्मीर गया था तो कश्मीर में गुलमर्ग में हाईएस्ट पॉइंट चला गया तो मुझे नीचे बादल इंपॉर्टेंट है बादल दिख रहे थे, ठीक है। आप माउंट एवरेस्ट जाओ, बादल से ऊपर पहुंच जाओगे आप। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स, जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं, कि जब पानी जो है वो जम जाता है बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बर्फ के टीले एक तरीके से। सम माउंटेन्स आर डीप अंडर द सी, हमको खाली आपको सामने से माउंटेन दिख रही है, पैसिफिक ओशन के अंदर पूरी माउंटेन रेंज चल रही है, आपको पता है। कई बार ऐसा होता है पानी सूख गया तो माउंटेन सामने दिखने लगती है, समुद्रों के अंदर माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस है। ओइंग टू द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, अब माउंटेन पर रहना आसान तो है नहीं, ठंडी पड़ती है, पहाड़ों पे जाओ आपको ठंडी ही मिलेगी, कहीं पे भी प्लेन्स पे आना पड़ेगा आपको सामान लेने, इसीलिए पहाड़ों पे चीजें भी मुश्किल होती हैं, खेती मुश्किल है, वहां पे जंगल होता है तो फिर खतरा बढ़ता है उससे। स्लोप्स जो होती है बहुत ही स्टीप होती है, लैंड अवेलेबल होता नहीं फार्मिंग के लिए, ठीक है। अब जब माउंटेन की श्रृंखला चल रही है, मतलब बहुत सारी माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन, दो माउंटेन, पूरी लाइन है, तो उसको कहते हैं माउंटेन रेंजेस, जैसे हिमालय, आल्प्स, ठीक है, अपालचिन। ठीक है, ये चीज है। एंडेस, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, हर जगह आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी। अब तीन तरीके के माउंटेन होती है, एक होती है फोल्ड माउंटेन, एक होती है ब्लॉक माउंटेन और एक होती है वॉल्केनिक माउंटेन। अभी बस इनको समझिए, फोल्ड माउंटेन क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, आल्प्स है ये यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय भी यंग है, आपको पता नहीं हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आपकी कारपेट है, कारपेट है ना, ये कारपेट है, चद्दर है, इसको आप धक्का देना शुरू करिए, कारपेट अभी ऐसी है, जब इधर से आप धक्का लगाएंगे, इधर से धक्का लगाएंगे तो फोल्ड हो जाती है ना, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी, क्यों, इसी को ही फोल्ड माउंटेन कहते हैं और कुछ नहीं। प्रेशर जो आ रहा है ना, इसकी वजह से माउंटेन फोल्ड हो रही है, इस तरीके से हो रही है, यही है फोल्ड माउंटेन। आपकी आपकी बेडशीट भी फोल्ड हो जाती होगी, अक्सर आपने देखा होगा। सो द हिमालयन माउंटेन्स एंड आल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ्स एंड हाई कॉनिकल पीक्स। अब जाहिर सी बात है कि इसमें पीक्स कोनिकल इस तरीके के ही होंगे, ये फोल्ड कर दो आप ऐसे इसको, ठीक है। अरावली जो है ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में। अपालचिन्स है जो नॉर्थ अमेरिका में, और यूरल माउंटेन जो रशिया में है, इनके राउंडेड फीचर्स है,
एलिवेशन कम है, हिमालय का बहुत ऊपर है, लेकिन जो अपालचन और यूरल माउंटेन्स रशिया में है, यूरल र से यूरल मतलब ऐसे आप याद रख सकते हैं, और र से रशिया, ठीक है, दे आर वेरी फोल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन, बहुत पुरानी है ये इस तरीके से आपको फोल्ड माउंटेन जो है वो देखने को मिलेगी ऐसे। अगली आती है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या है कि जब भी जो बहुत बड़ा एरिया है वो टूट गया या फिर डिस्प्लेस हो गया वर्टिकली, ठीक है ना, व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकल ऐसे सीधा होता है ना वर्टिकल, तो अगर टूट गया कोई बहुत बड़ा एरिया जो है टूट गया, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबन। अभी बताएंगे, द राइन वैली एंड द वॉक्स माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, राइन घाटी और वॉसगेस। अब देखो ये है आपका, देख रहे हो ये एक बड़ा हिस्सा है, ये ऐसे टूटा हुआ है लेकिन ये ऊपर उठा है, जो ऊपर वाला जाएगा ये इसको कहेंगे हॉस्ट, ठीक है, और ये जो नीचे अगर चला जाएगा वो टूट के बड़ा हिस्सा टूटा है इसको कहेंगे ग्रेबन। तो इस तरीके की माउंटेन फोल्डेड माउंटेन ऐसे 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 भारत में आपको फोल्डेड ही माउंटेन देखने को मिलेगी, लेकिन आप राइन वैली में जब जाओगे ना, अमेरिका जाओगे, जब आप वॉस्कस जाओगे यूरोप में, तो आपको ऐसी माउंटेन देखने को मिलेगी, आप चढ़ ही नहीं पाओगे कि चढ़े कहीं से भैया, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। चल आगे चलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन, माउंट फुजियामा, माउंट विजुवियस इटली। वॉल्केनिक माउंटेन क्या है, ज्वालामुखी वाली माउंटेन, ज्वालामुखी वाली माउंटेन जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती है, ठीक है, हमारे धरती में क्या है, ये क्रस्ट है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ये धरती है ये आपका क्रस्ट है, फिर आएगा आपका मेंटल, और फिर अल्टीमेटली आपका कोर आएगा। ये कोर क्या है, गर्म है, लावा है इसमें, यहीं से लावा जो है वो दूर जा रही है, हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वॉल्केनो भी मतलब आपका जो मैग्मा है आग लिक्विड फॉर्म में वो ऊपर आ रही है। सो फुजियामा जापान में इस तरीके के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और आपको बता दूं कि दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, पानी अच्छा खासा आपको यहां पे मिलेगा। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स इन द माउंटेन, रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। चलो आगे देखते हैं, इस तरीके के ये है आपका माउंटेन, और ये अरे बाप रे, ये आप देख सकते हो ना, यहां से ही ऊपर आता है ये मैग्मा, जब बहुत ज्यादा प्रेशर ऊपर जाता है ये छोटी छोटी जगह से, इन सबको एक एक नाम दिया गया, अभी हम इस पे नहीं जाते फिलहाल, अभी हम देखिए मैंने क्या बताया, सिर्फ आप अभी समझिए, सिक्स क्लास में बस आपको बेसिक ही समझना है और कुछ नहीं समझना है, ये सब फिजिकल फीचर्स है। सो द वाटर, जो पानी है माउंटेन से, ये हर तरीके से इरिगेशन, अब जैसे माउंटेन में पानी है बहुत अच्छी बात है, तो अब पानी आप देखेंगे कि बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिवर के पास होते हैं, लेकिन माउंटेन के पास लगाएंगे ना तो आपको बहुत फायदा, क्योंकि पानी ऐसे स्लोप से आ रहा है तो बहुत तेजी से चक्का घूमेगा और करंट पैदा करेगा, तो आपके इरिगेशन के लिए यूज होता है, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, लोगों के लिए यूज होता है, रिवर वैलीज बन जाती है। देखिए जो जैसे जो ये आ रही है आपकी नदी, वो पहाड़ों को काटती जाती है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, नदी आई है, जैसे ये बहुत बड़ा पहाड़ है, यहां से नदी जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ये पहाड़, ये नदी, अब इस पहाड़ ने इस नदी को रोक लिया, लेकिन क्या होगा, एक टाइम पे नदी का फ्लो ज्यादा है ना, तो पहाड़ के आर पार हो जाएगी, तोड़ ताड़ के निकल जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, एक वैली टाइप की क्रिएट होगी ना, ठीक है भाई, पहाड़ ऐसा, ये पहाड़ है, ये नदी रुक रही है, लेकिन जब ये जाएगी तो वैली टाइप की नहीं, रिवर वैली जिसको बोला जाता है। अरे यार आज बोलने में बड़ा, सुबह से हमारे बहुत लेक्चर किए हैं, तो इसीलिए तो माउंटेन्स है रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, खूब जंगल मिलेंगे आपको। अभी मैं गया था रंग देतु मोहित तोंदुआ, मुझे तेंदुआ भी बोला कमाल के, यार मैं कश्मीर गया वहां पे पहलगांव में बायसारन, तो मैं पैदल गया था बायसारन, ठीक है, जो लोग पैदल गए वो से रिलेट कर पाएंगे, तो पैदल ऊपर तक गया मैं और मेरी वाइफ, अब जब हम वापस आ रहे 5 बज गए, सब बोला तेंदुआ है, तेंदुआ है, हमने कहा बाप रे सब डरा और रहे हैं, हमने कहा बड़ी दिक्कत है। तो फॉडर शेल्टर बहुत सारे प्रोडक्ट जो है माउंटेन्स पे, कुछ जैसे पहाड़ों पे ना नट्स बहुत अच्छे उगते हैं, फल बहुत अच्छे उगते हैं, किशमिश पहाड़ों पे उगाई जाती है, बेरीज के लिए बहुत सही रहता है माउंटेन्स, ठीक है, और माउंटेन्स पे जो पेड़ होते हैं ना उनकी लकड़ियां बहुत अच्छी बहुत मजबूत होती है। प्लैट्यूज पे आ जाओ, पठार पे आ जाओ, प्लैट्यू क्या है, ये एक एलिवेटेड लैंड है,
फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड है जो कि सराउंडिंग एरिया से प्लेटो थोड़े से ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आपका मैदान है ना, ये आपका प्लेटो है उठा हुआ हल्का सा, और ये आपकी माउंटेन है। तो प्लेटो यही फ्लैट लैंड बट एलिवेटेड होता है, ठीक है। अब प्लेटो में है वन और मोर साइट्स विद स्टीप स्लोप्स, स्लोप्स होंगे क्योंकि उठा है, देख सकते हो आप इस तरीके से। हाइट ऑफ द प्लेटो ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटोज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंग और ओल्ड में समझ रहे हो, यंग और ओल्ड में जो अभी भी बन रही है, जहां पे इरोजनल एक्टिविटी अभी भी चल रही है। ओल्ड मतलब कि अब बस हो गया तो हो गया, अब कुछ होना नहीं है उसमें, समझ रहे हो। ये चीज है भारत में, जैसे भारत में भी प्लेटोज डिवाइडेड है ना, डेकन प्लेटो जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है, छोटा नागपुर प्लेटो बड़ा इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड प्लेटो, मेघालय प्लेटो तो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर तंजानिया, युगांडा, केनिया, ये सब एग्जांपल्स है। तिब्बतन प्लेटो सबसे बड़ा है, इट्स द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, हाइट कितनी है 4000 से 6000 मीटर सी लेवल। सी लेवल मैंने याद है ना पिछली बार कि ये समुद्र अगर ये है तो ये वाला जो जमीन का हिस्सा है ना इससे नापा जाता है, ये चीज है। तो इस तरीके के आपको प्लेटो जो है वो देखने को मिलेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है, मिनरल्स खूब सारे मिलते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जो है बुंदेलखंड, ये सब प्लेटो पे पठारों पे स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो जहां पे भी प्लेटो होगा वहां पे आपको सारे खनिज मिल जाएंगे एक ही जगह, नेचर ही ऐसा है उनका। ज्यादातर प्लेटो तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हुए हैं, ये चीज है, तो माइनिंग के लिए यूज होता है। अफ्रीकन प्लेटो, क्यों अफ्रीका को एक रिसोर्स कर्स्ड कंट्री बोला जाता है, भारत में रिसोर्स कर्स्ड स्टेट कौन सा है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अफ्रीका में आपको ये नींबू इतने बड़े बड़े आपको डायमंड मिलेंगे, ब्लड डायमंड मूवी देखी है, देखना जाके। भारत में आपको आयरन, कोल, मैग्नीज खूब सारे छोटा नागपुर प्लेटो में मिलेंगे, ठीक है। और इन प्लेटो पे पठार बहुत बड़ा है, इसमें राज्य स्थित है, ठीक है, ये चीज है। अब यहां पे काफी आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगी, झारखंड में चले जाओ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, बढ़िया बढ़िया मेघालय इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, क्योंकि हाइट पे वाटरफॉल क्या, वाटर ऊपर से गिर रहा है तो कहां से गिरेगा, जब वो हाइट पे होगा तभी गिरेगा वो, सिंपल सी बात आप समझ गए हो। छोटा नागपुर प्लेटो में सुवर्णरेखा रिवर पे बहुत ही जबरदस्त जॉग फॉल्स, कर्नाटक सबसे बड़ी वाटरफॉल है जॉग फॉल्स, जो लावा प्लेटो होता है वो ब्लैक सॉइल में रिच होती है। भारत में आठ तरीके की सॉइल है, बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो जो अब ब्लैक सॉइल जो होती है, जो काली मिट्टी होती है, वो कॉटन के लिए फेमस है, जो कॉटन की खेती होती है ना वो यहां पे ही होती है। तो कर्नाटक में डेकन प्लेटो में आपको खूब कॉटन कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, है ना। और प्लेटो साउथ जैसे आप जाइए तो आपको बहुत ही गजब की सीनरी देखने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगी, तो टूरिस्ट भी खूब यहां पे जाते हैं। प्लेन्स की बात करते हैं, मैदान आपने देख रही है, बस वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर दो, पानी ऐसे आ रहा है, नदियां जैसे पहाड़ों से आ रही है, बहुत कुछ लेते हुए आ रही, कंकड़, मट्टी, पत्थर, अब वो एक जगह पे जमा कर देती है। जब वो प्लेन्स पे, जब वो मैदान पे आएंगे ना, ऐसे स्लोप ऐसे होगा, नदी यहां से खूब सारी चीजें पहाड़ काटते हुए आ रही है, लेकिन यहां पे सब कुछ जमा करती जाती है वो, क्योंकि इनका फ्लो धीमे हो जाता है, ठीक है। तो यहां जो जमा की हुई चीजों से बनता है उसी को ही कहते हैं हम प्लेन्स। 200 मीटर ही होता है ये, ज्यादा नहीं होता है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल एंड अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग अंडुलेटिंग, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मैक्सिमम प्लेन जो है वो रिवर्स, वो नदियों से ही बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो भी सिल्ट लेके आ रही है, जो भी सैंड, जो भी मट्टी पत्थर लेके आ रही है, वो सब जमा करती जाती है वो, तो दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट, और धीमे धीमे वेदरिंग के कारण वो टूटते जाते हैं, केमिकल और फिजिकल वेदरिंग होती है, बाद में देखेंगे, वो टूटते जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े मैदान जो है वो बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये हाईली फर्टाइल होते हैं, नदियां लेके आ रही हैं, तो हाईली उपजाऊ एलुवियल प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, एलुवियल मिट्टी जो है वो सबसे बढ़िया रहती है, ठीक है। सो प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। भैया मैं जरा देख लूं, मैंने अभी देखा नहीं है, बुरी हालत हो गई यार। स्टडी ग्लोज ऐप पे मिलेगी बेटा विद्या, स्टडी ग्लोज ऐप पे मिलेगी, स्टडी ग्लोज ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, चलो अच्छा है। सो प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जैसा कि हमने बताया बहुत फर्टाइल होते हैं,
ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको नदियां हैं क्योंकि बढ़िया ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, रोड रोड बनवा दो, हार्ड भी होते हैं ये, सॉफ्ट भी होते हैं ये, थिकली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इन्हीं यहीं पे ही देखने को मिलेगी, सबसे पहले आपको प्लेन्स में, फिर प्लेटू में, फिर माउंटेन में, इस ये क्रोनोलॉजी है। लार्जेस्ट प्लेन्स आर फाउंड इन एशिया और नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि खूब नदियां भाई नॉर्थ इंडिया, इसीलिए तो कहते हैं ना कि वरदान है भारत को, भारत में इतनी नदियां बहती है, भारत इसीलिए देवभूमि है। एशिया में ये जो प्लेन्स है, ये गंगा, जैसे भारत में प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, नाम ही है नॉर्दर्न प्लेन्स, वो गंगा नदी से बने हैं जो कि हिमालय से निकलती है और सारा पहाड़ का जो सब कुछ, मलबा, स्टोन, पत्थर सब लेके आती है अपने साथ में, और ब्रह्मपुत्र आपको ये बाहर से निकलती है ये, लेकिन फिर भी तिब्बत से होते हुए भारत में आती है ये, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट से, मतलब नॉर्थ ईस्ट, तिब्बत से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए भारत में आएगी और उसके बाद फिर मतलब निकल जाएगी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में दोनों मिलते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। बहुत यूजफुल एरिया है, इंसान यहाँ पे अपना सारा काम यहीं पे ही करते हैं और इसीलिए लोग आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, घर यहाँ पे बनते हैं, सब कुछ फर्टाइल सॉइल्स होती है तो प्रोडक्टिव होता है ये कल्टिवेशन के लिए, बहुत सारी खेती, चावल की खेती, गन्ने की खेती सब यहीं पे ही होती है, बाद में उनको प्रोसेस करके हम ही को बेचा जाता है जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब लोग जो है यहाँ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, अब जैसे पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, प्लेट्यू पे भी, लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है, लोग तो हर जगह, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भाई, खेती बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग तो हर जगह रहेंगे, सिंपल सी बात है, तो इसीलिए काफी अच्छी कंडीशंस मिलती है, क्रॉप्स यहाँ पे अच्छे से ग्रो होते हैं, आप मकान वकान भी बहुत अच्छे से मना सकते हैं। लेकिन कई बार नेचुरल कलेमिटीज आती है, जैसे बाढ़ आ गई, अभी जैसे पाकिस्तान में देखिए बाढ़ आ गई, नदी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, कोसी जिसको सौरव बिहार बोला जाता है, इंसान गांव में खटिए पे सो रहा है, खटिए के नीचे से नदी निकलने लगती है, खटिया ही तैर गई, ऐसा होता है कि अरे बाप रे। तो ये चीज है, अर्थक्वेक आते हैं भाई, अगर आप हिमालयन रीजन में तो आपको अर्थक्वेक का सामना करना पड़ेगा, अभी टर्की में भयानक अर्थक्वेक आएगा, माउंट फुजियामा के अगल बगल रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अगल बगल रहते हैं, साउथ अमेरिका में रह रहे हैं, पैसिफिक रीजन में रह रहे हैं, तो आपको वॉल्केनो का सामना करना पड़ेगा भाई, फट गया वॉल्केनो तो आप भी फट जाओगे, ठीक है। कई बार स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कोस्टल रीजन में रह रहे हैं तो स्टॉर्म्स आ गए, तो ये सब इंसानों के साथ होता रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है, ये आप अरुणाचल प्रदेश में हैंडलिंग ब्रिज नेचुरली बना है, आपको पता है, जाना अरुणाचल प्रदेश में इसको देखना। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, तो ये चैप्टर 6 खत्म, चैप्टर 7 पे आ रहे हैं, ओके चलो। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, भारत को देखते हैं, तो कुछ चीजें आपको एज इट इज रट लेनी है, बिल्कुल रट लो अच्छे से, इसमें आपको क्या क्या रटना है, ठीक है, ठीक है। तो भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है, इंडिया वेदों में आर्य, आर्यवर्त बोला जाता था, क्यों, तो वेदों में नाम दिए हैं इंडिया हिंदुस्तान, हिंदुओं का गुलिस्तान, हिंदुओं का लैंड, हिंदुओं की जमीन, हिंदू वर्ड हम तो सनातनी है, हिंदू वर्ड अरेबिक्स ने यूज किया, यूरोपियंस ने यूज किया, ठीक है। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, इधर हिमालय है, इधर इंडियन ओशन है नीचे, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, हिमालय इंडियन, सॉरी हिमालय, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये चीज है, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, इधर पे आपका अरेबियन सी और इधर पे हिमालय, ब्याह, ऐसे बेसिकली आप याद कर सकते हैं, इधर से ब्याह, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, हिमालय। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, हिमालय ऊपर मिलेंगे आपको, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलेंगे, एरिया कितना रट लो, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रट लो इसको, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस पता है, बताने की जरूरत नहीं है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ में कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, सीधा चले जाओ, अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी ना, तो जब भी राहुल गांधी को देखना कश्मीर टू कन्याकुमारी याद आना चाहिए। इधर अब ईस्ट वेस्ट में आ जाओ बेटा,
ईस्ट वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश से कच्छ जो कि गुजरात में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नॉर्थ का साउथ एक्सटेंशन है ऊपर नॉर्थ कश्मीर से जब कन्याकुमारी आओगे तो 3200 किलोमीटर तक तुमको चलना पड़ेगा, और जब इधर अरुणाचल प्रदेश से रहना कच्छ से तक आओगे तो तुमको 2900 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी जर्नी कवर करती है, नॉर्थ ईस्ट से पूरा कन्याकुमारी तक जाती है। लॉफ्टी माउंटेन्स, अब देखो भारत में टोटल 6 ज्योग्राफिकल डिविजन्स है, भारत को डिवाइड किया है, भारत में सब कुछ मिलेगा, यही हमारी खूबी है, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया है और रहेगा, था तो पहले से ही था। पॉलिटिक्स के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में गड़बड़ होती रहती है। दाढ़ी क्यों काट ली? कोई बात नहीं। तो सबसे ऊपर आता है आपका नॉर्थ में आएगा तो नॉर्दर्न प्लेन्स, छोड़ो उसको, तुम सोचो कौन कौन सा हो सकता है। घूमते हो, घूमा करो, घूमे से आपको इतिहास ज्योग्राफी सब पता चलेगी। अब अपना दिमाग बलाओ दौड़ाओ कि भारत में कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स हो सकते हैं। आपने दौड़ाया माउंटेन है, बिल्कुल, तो सबसे पहले आपका आएगा हमारा द माउंटेन्स, हिमालय। हिमालय तीन में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत में क्या है, डेजर्ट भी है, कौन से, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, थार इंडिया का एकमात्र डेजर्ट, पूरा राजस्थान थार डेजर्ट में ही आता है। उसके बाद भारत में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, नॉर्थ में चले जाओ तो बड़े बड़े मैदान मिलेंगे आपको, फिर आपको क्या मिलेगा, बीच मिलेंगे आपको, क्यों, कोस्टल एरियाज, कोस्टल रीजन मिलेंगे आपको, फिर आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे आपको, जंगल मिलेंगे ना खूब भारत में, तो जंगल वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे आपको। उसके बाद भारत के बाद दो आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो यही ज्योग्राफिकल फीचर्स है, इसी में पूरा भारत आ गया। ग्रेट वैरायटी इन क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, हर चीज, लैंग्वेज और कल्चर, भारत इज द मोस्ट डाइवर्स रीजन, पॉपुलेशन लगभग 120 करोड़ से, बट अभी 140 करोड़ के आसपास हो गई है, मान के चलिया अभी सेंसस आने वाला है। लोकेशन कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैंने बताया था ना कि भूल गए, यहाँ पर इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो भारत यहां पे आएगा, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये आधा भारत यहां पे आता है हिमालय वाला, और ये जो पेनिनसुलर इंडिया है यहां पे आता है, ठीक है, ये चीज है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ोगे, नॉर्थ साउथ मतलब लैटिट्यूड है, ईस्ट वेस्ट मतलब लॉन्गिट्यूड है, तो ये क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ऊपर 0 डिग्री से देखो ना, तो ये 23 डिग्री मतलब 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, याद है कि नहीं, भूल गए सब, पढ़ गया ना, नहीं याद है, देखो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तो 23 डिग्री 30 मिनट ये ऊपर जाएगा, passes almost halfway through the country। बस अगर आपने, मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि अगर आपने ये याद कर लिया, मजा आ गई, वो चीज आपको latitudes और longitudes, और वही कि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर जीरो, फिर 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री एंटार्कटिक सर्कल, ये चार चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पैरामीटर्स है, इसी से कंपेयर करके आप लोकेशन निकालोगे। From west to east, India extends from 68 degree, ये longitude की बात है, 7 minutes east और 97 degree, 25 minutes longitude, याद कर लो, रट लो, फोन नंबर की तरह रट लो। Longitudinal extent ज्यादा है, तो मैंने आपको क्या बताया था भैया, भारत के टाइम जोन दो वैसे होने चाहिए, लेकिन एक ही टाइम जोन है, नॉर्थ ईस्ट में सुबह पहले हो जाती है, भाई नॉर्थ ईस्ट में सूरज पहले उग जाता है वहां पे, लेकिन एक घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि मैंने क्या याद है कि नहीं, 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आया, यानी कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 360 डिग्री यानी कि पूरे सर्कल में कितने घंटे होंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, हर 15 डिग्री पे एक घंटे का क्या आएगा, चेंज आएगा, और अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को 15 से डिवाइड करो, 4 मिनट, यानी कि हर एक डिग्री पे 4 मिनट का आपका क्या कहते हैं कि चेंज आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि भारत अब जैसे ये 15-15 डिग्री पे सब डिवाइडेड है, देखिए यहां पे शायद दिया होगा, ये देख सकते ना, तो ये जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है ये अलग है यहां पे, ठीक है, तो अब ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये 97 डिग्री 25 मिनट्स पे आ रहा है,
यानी कि 15 डिग्री का वेरिएशन है, यानी कि एक घंटे का वेरिएशन है, तो यहां पे जो सुबह है वो जल्दी हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पे कहते हैं कि बाकी इंडिया का टाइम जोन तो ठीक है, लेकिन हमको अपना अलग टाइम जोन चाहिए। भारत में कौन कौन से नेबर्स हैं? सबसे पहले तो बांग्लादेश से सबसे बड़ी, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास भारत बाउंड्री शेयर करता है। 7 देश है जो भारत से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ईस्ट में कहा है बांग्लादेश, समझ गए ना, कहेंगे सर ईस्ट में बांग्लादेश, पहले बंगाल पूरा एक था, ईस्ट बंगाल का वेस्ट है, वेस्ट बंगाल का वेस्ट पार्ट। तो म्यांमार, आपको ये डायरेक्शन एकदम दिमाग में, जब तक डायरेक्शन याद ना हो ना मजा नहीं है ज्योग्राफी पढ़ने में, डायरेक्शन डिग्री तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो इन लेक्चर्स पे तभी आना, पहले वो डायरेक्शन याद करो अच्छे से। म्यांमार को फार ईस्ट में मिलेगा, चाइना, भूटान, नेपाल, नॉर्थ एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये चीज है, ये देख सकते हो आप, पाकिस्तान पहले ये सब एरिया था, अखंड भारत, ऊपर अफगानिस्तान, ये भी भारत से बॉर्डर शेयर करता है, तिब्बत, नेपाल, ये आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, देख रहे हो ना, सबसे बड़ी बाउंड्री भारत बांग्लादेश से ही शेयर करता है, फिर पाकिस्तान से शेयर करता है, ठीक है। तो 7 देश है जो भारत की बाउंड्री शेयर करते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन की बात कर लेते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। चलो मुझे बताओ कि अभी सबसे नवीन यूनियन टेरिटरी किसको बनाएगी और कौन सी यूनियन टेरिटरी को खत्म किया गया? यूनियन टेरिटरीज कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। यूनियन टेरिटरी मतलब जो केंद्र के अंदर है, केंद्र शासित, ठीक है। भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है, चलो मुझे इसके नाम बताओ, इसमें तो आपको नहीं पता चलेंगे, आप मुझे नाम बताओ, लेकिन आगे दिए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास अलग है, कल्चर अलग है, डेमोग्राफी अलग है, जाहिर सी बात है। स्टेट्स एंड कैपिटल्स ये दिया गया, ये यूनियन टेरिटरी दी गई है, आप देख सकते हो आराम से, इसको आप आराम से पॉज करके देख लेना। ये देखो भारत, सबसे बेस्ट मैप है भारत का। अभी जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी में बता ही देता हूं भैया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर होगा, ये पूरा का पूरा भारत है, ठीक है। अब चलो इसमें हम ज्योग्राफिकल डिविजन की बात करते हैं, ठीक है। ये है भारत के आइलैंड्स, पहला नहीं, पहला तो वैसे इधर से शुरू होगा, बट मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। ये है आपके वेस्टर्न घाट्स और ये है आपका ईस्टर्न घाट्स, ईस्ट में है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये हो गया आपका दूसरा, मार्क करो आप, थोड़ा सा याद करो। ये है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, क्यों? ये हो गया आपका तीसरा। ये पूरा का पूरा आपका हिमालय है, राइट। ये है आपकी कोस्ट, चौथा। ये है आपका डेजर्ट, ये हो गया, इधर हो गया पांचवा, हिमालय तो ये छठा। तो ये टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो फिजिकल डिविजन, जैसा कि हमने बताया, हिमालय को हम 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको एबोड ऑफ द स्नो भी बोला जाता है। 3 पैरेलल रेंजेस आपको देखने को मिलेगी हिमालय पे। एक तो है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर वाला हिमालय, ग्रेटर मतलब जो हिमालय का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, पूरा पाकिस्तान से होते हुए, पामेर नॉर्थ से होते हुए, ये पूरा यहां तक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेसर हिमालय आ जाएगा, ठीक है, मतलब मिडिल हिमालय, जो बीच का हिमालय है, देखो पैरेलल चल रहा है, नेपाल नेपाल इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद आपका सबसे छोटा पार्ट लेसर हिमालय आ गया, जिसमें आपका बेसिकली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब, ठीक है। These river plains provide fertile land for cultivation. अब जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, ये आपको साउथ, हिमालय सबसे ऊपर है, साउथ में जाओगे देखो यहां पे, ये देखो ये हिमालय पहला है। अब हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको पिछली बार उल्टा, साउथ में जाओगे ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया, राइट, हिमालय के साउथ में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, बहुत अच्छा। सो इट्स अ ग्रेट हिमालय और हिमाद्री जिसको बोलते हैं, जो नॉर्दर्न पास्ट, हाईएस्ट पीक्स आपको यहीं पे ही मिलेगी, नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे नॉर्थ में बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट आपको यही मिलेगा, K2 आपको यही मिलेगा। मिडिल हिमालय से हिमाचल जो है वो साउथ ऑफ द हिमाद्री जो है वो लोकेटेड है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है वो साउथ ऑफ द हिमालय पे आपको मिलेगा। अब हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं, एक है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी।
नॉर्दर्न क्योंकि यहां नदियां आ रही है तो फर्टाइल रीजन है, आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन आपको इन एरियाज में देखने को मिलेगा। ये देखो सबसे बेस्ट, ये आपको हिमालय दिख रहा है, फिर ये आपका लेसर हिमालय हो गया, और फिर ये आपका मिडिल हिमालय हो गया, राइट। ये चीज है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो आपके कोस्टल एरियाज देखने को मिल रहे हैं, यहीं से आपको वेस्टर्न घाट्स उधर उभर रहे हैं, ठीक है। ये आपके प्लेट्यूज आ गए, ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ गया इधर पे, पूरा थार इधर साइड पे, और ये आपके आइलैंड्स आ गए। तो ये आप देख सकते हो कि माउंटेन हिल रेंज बहुत अच्छे से बताया, इनकी हम बात करेंगे जब हम अगले क्लास में जाएंगे, एक एक को हम तोड़ेंगे। तो वेस्टर्न पार्ट्स में आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा जो कि ड्राई, हॉट एंड सैंडी है। साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पेनिनसुलर प्लेटू, पता है भारत का ये वाला एरिया है, ये वाला पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, जब तीनों जगह से समुद्र घिरा हुआ, उसी को पेनिनसुला कहते हैं। तो यहां पे आपको अरेबियन सी मिल रहा है, ये बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप ये देखो, अब ये देखो कि पैरेलल रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, विंध्यन जो है वो चल रही है, फिर सतपुड़ा जो है, अब नर्मदा नदी यहीं से ही निकल रही है कि नहीं। नर्मदा नदी जो है कहां से, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। पेनिनसुलर रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, ढेरों पेनिनसुलर रिवर है। सबसे बड़ी रिवर कौन सी, गोदावरी, जिसको गंगा ऑफ द साउथ, साउथ की गंगा बोला जाता है, ठीक है। सो विंध्याचल एंड सतपुड़ा आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस। नर्मदा तापी जो है, दे फ्लो दीज रेंजेस, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अच्छा, वेस्ट फ्लोइंग मतलब क्या हुआ, देखो वेस्ट फ्लोइंग मतलब क्या, ये अरेबियन सी में गिर रही है, नर्मदा और तापी अरेबियन सी में गिर रही है, देख रहे हो ना, बाकी सारी ईस्ट में गिरती हैं। क्योंकि ईस्ट में गिरती हैं, स्लोप इधर है, स्लोप भारत का इधर साइड है, लेकिन नर्मदा तापी का स्लोप इधर दिया हुआ है। तो नर्मदा तापी को छोड़ दो, बाकी सारी जो मतलब जो पेनिनसुलर रिवर है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को शायद्री भी बोलते हैं, अगेन ये वेस्ट और ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कोंकण रूट, खूबसूरत, जो ट्रेन में घूमो मजा आ जाएगी आपको। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन। ये देखो आप, ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट्स, अब ये आपका कोस्टल प्लेन दिख रहा है ना, समुद्री एरिया, प्यारा प्यारा। गोवा जाते हो, मुंबई जाते हो, कितने राज्य समुद्र भारत में, 28 में से कितने राज्य जो है जो कोस्टल है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ये चीज है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफी चौड़ा है, आप देख ही सकते हो। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियों के नाम तो पहले याद रख लो, MGKK, ठीक है, MGK स्क्वायर करके याद रख लो, दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव फॉर्मड फर्टाइल डेल्टा ऑन देयर माउथ्स, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्मड व्हेन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। कावेरी कृष्णा डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या है, मैंने आपको बताया कि जब नदी जा रही है, नदी ऐसे पहाड़ से आएगी लेकिन प्लेन पे आते आते स्लो हो जाएगी, अपने साथ वो बहुत सारी चीजें लेके आ रही है। एक पानी आ रहा है, उसके पास खूब सारी रेत है, लेकिन यहां पर रेत फैल गई, तो पानी क्या है, जब रेत यहां पर फैल जाती तो पानी खूब सारी धाराओं में बढ़ जाएगा कि नहीं। फिर से मैं बता रहा हूं, पानी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है, जो नदियां हैं अब ये ऐसे आ रही है, तो जब ये प्लेन्स पे जाएंगी तो जाहिर सी बात है ये सब यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो अब धाराएं बढ़ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी नदियों में बढ़ जाती है ये, तो वहां उसी को ही कहते हैं डेल्टा, जिसमें आप आराम से घूम भी सकते हो, ठीक है ना। ये देखो आप, महानदी गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, पूरे महाराष्ट्र मतलब सेंट्रल इंडिया और आपके साउथ को भी, आंध्रा को भी कवर करती है ये गोदावरी, ठीक है। फिर ये आपकी कृष्णा है ना, तो ये महानदी आपकी ये हो गई। नर्मदा तापी इधर गिरती है, स्लोप इधर है। अब ये देखो ब्रॉड है, ईस्टर्न घाट्स ब्रॉड है, वेस्टर्न घाट छोटा है थोड़ा, ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस भी नहीं है। क्यों, ईस्टर्न घाट देखो, देखो वेस्टर्न घाट कितना कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पे कोई नदी नहीं गिर रही है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स नदी, इतनी सारी नदियां गिरती है यहां पे कि सब एकदम, देख रहे हो ना कि एकदम डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि पहाड़ को काटेंगी ये, पूरे जो बाउंड्री है उसको काटेंगी ये चीज है, तो इरोड कर दिया एक तरीके से, समझ गए। फिर उसके बाद आपके लैंड्स देखने को मिलेंगे हमको, आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में मिलेगा, और इधर आप बे ऑफ बंगाल में आ जाओ तो आपको अंडमान आइलैंड्स देखने को मिलेगा। लोग यहां पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, आप भी जाना, सेलुलर जेल अंडमान में, वीर सावरकर जो अंडमान में ही बंद थे, जो बहुत ही खतरनाक कैदी थे, उनको यहां पर भेजा जाता था। तो ये लेक्चर था, अब हम, क्या बात है अनुराग सेन ने मुझे 10 रुपए दिए,
थैंक यू अनुराग, आज 110 रुपए का क्या आता है, पिज्जा आता है, तुम भी आओ, अखलो तुम भी आओ, साथ में खाएंगे। चलो अब आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8। क्लाइमेट और वेजिटेशन की हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं पानी पी के आता हूं, तब तक आप भी एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चलो तो अब चैप्टर 8 की बात करते हैं, हिस्ट्री में भी आना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद क्लास जो है ना दोस्तों मैं 22 को लूंगा, तो इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चलो बात करते हैं इसकी भी, सीजन्स इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये 3 चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे। वेदर क्या होता है, वेदर क्या, वातावरण, मौसम, वातावरण दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट, क्लाइमेट एक लंबा फेनोमेना है, वेदर चेंज होता है, ठीक है। सो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस, वेदर दिन दिन में बताएगा कि आज बारिश होगी, कहते हैं ना वेदर, वो मौसम विभाग जो है आपको जानकारी देता है कि गर्मी रहेगी, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, अल नीनो की वजह से इस बार वेदर जो है शायद रेनफॉल बहुत अच्छी ना हो, तो बेसिकली टेम्परेचर सनशाइन के बारे में बताता है कि आज कैसा आपका वेदर रहेगा, वातावरण कैसा रहेगा, तो शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, समझ रहे हो कि जो हमारे वातावरण में, वातावरण वायुमंडल में क्या चल रहा है, वायु कैसी है, वायु से ही सब कुछ हो रहा है, ठंडी हवा मॉइस्चर लेके भारत आ रही है तो बारिश हो रही है, समझ रहे हो, देखो बारिश वही है, सो रेनिंग रेनिंग एंड रेनिंग, और मिनट्स में चेंज होता है। आप जाओ पहाड़, जाओ पहाड़, कश्मीर जाना, मेघालय जाओ, अभी धूप 5 मिनट बाद बारिश। मैं खंडाला गया था, आती या खंडाला, तो मैंने देखा कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पे तो सही है, और मुश्किल से आधे किलोमीटर में बारिश हो रही है, मैंने कहा वाह क्या सीन है। तो इस तरीके से चलो, तो ये जो मेजर सीजन्स हैं भारत में कौन कौन से हैं बताओ। वैसे तो हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, मॉनसून शब्द मौसम से लिया गया जो कि एक अरेबिक वर्ड है, मौसम मस्ताना रस्ता अनजाना। पहला है हमारा कोल्ड वेदर सीजन, जो कि ठंडी वाला सीजन जो हम सबको पसंद है, लेकिन ठंडी कहां पे पड़ेगी, खाली नॉर्दर्न पार्ट में, साउथ में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है क्योंकि कोस्टल एरिया है ना वो, तो समुद्र के किनारे आता है तो वहां पे इतनी ठंडी, और ट्रॉपिक्स में आ रहा है तो ठंडी नहीं, नॉर्थ में हिमालय है तो वहां पे अच्छी खासी ठंडी पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर से फरवरी तक चलता है, वैसे अक्टूबर से मौसम सुहावना सुहावना हो जाता है, और नवंबर में और ज्यादा सुहावना। भारत में सबसे बढ़िया घूमने के सीजन पता कौन से है, फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर, 4 महीने में घूम डालो, स्पेशली गुजरात और राजस्थान। हॉट वेदर कौन कौन से, मार्च टू मई, ठीक है, अभी मार्च अप्रैल, लेकिन मई जून की भद्दर दोपहरी, बाप रे। साउथ वेस्ट कब बारिश होती है, जून टू सितंबर, इस बार अल नीनो की वजह से, अल नीनो पे एनसीईआरटी में मैं नहीं बताऊंगा अल नीनो, लेकिन अल नीनो, ला नीना, इनसो, इन सब पे मैंने अभी सेपरेट लेक्चर लिया, पूरा फेनोमेना मैंने बताया है, ऑसिलेट होता है बेसिकली, लेकिन अभी रुको जरा, सबर करो, थोड़ी देर में बताएंगे। उसके बाद रीट्रीटिंग मॉनसून आता है जिसको ऑटम कहते हैं, जो कि अक्टूबर से नवंबर चलता है। देखो मॉनसून आ रहा है और मॉनसून जा रहा है, जब आ रहा है एडवांसिंग मॉनसून, जा रहा है बाय बाय, तो रीट्रीटिंग मॉनसून, तो भारत में बारिश ही होती रहती है। तो कोल्ड वेदर और सीजन या विंटर, अब विंटर सीजन में क्या होता है कि जो सन है, मैंने बताया था ना कि किस तरीके से सन की रेस
पहले दूसरे चैप्टर में आपको बता था वो कैसे वेरी होती है, दे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ेगी तो गर्मी होगी, सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी तो गर्मी नहीं होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। हॉट वेदर सीजन या फिर समर की अगर बात करते हैं तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली गिरती है और टेम्परेचर अच्छा खासा जो है वो गर्म हो जाता है। जैसे अभी डायरेक्टली हमको सूरज की रोशनी पड़ रही है हमारे ऊपर, सूरज की कृपा कुछ ज्यादा ही होती जा रही है। रेनी सीजन में क्या होता है, यहाँ पे हवाएं आती हैं, वो हवाएं सुनाती, ऐसे गाना था ना, तो ये अरेबियन सी से होते हुए साउथ वेस्ट मानसून, साउथ और वेस्ट, वेस्ट से आ रहा है, मतलब वो ब्रिटेन हमको लूट के ले गए थे लेकिन अब मेडिटेरेनियन रीजन से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और वो मॉइस्चर लेते हुए आ रही है और साउथ इंडियन ओशन से नीचे होते हुए साउथ वेस्ट से, इसीलिए सबसे पहले वो केरल में जाएगा। ये हवाएं आती है ना नीचे से आती है इंडियन ओशन और इधर अरेबियन सी और उसके बाद एक एक करके हवाएं आने लगती हैं। तो ऐसे पहले केरल में आता मानसून, ठीक है, जुलाई की फर्स्ट वीक में, और उसके बाद धीमे 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 ऊपर जाता है, राइट। तो ये चीज है। अभी मानसून अगेन हम प्रॉपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ आप अभी समझिए। तो अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है, तो जो विंड है वो लैंड टू सी आएगी। गर्मियों में वो मतलब जो बारिश होती तब सी टू लैंड आएगी और गर्मियों में लैंड टू सी आएगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। When these winds strike the mountain barrier, rainfall occur. आ रही है, बढ़िया थे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये देखो हवा के अंदर क्या है, बारिश है, पानी आया, भट्ट से यहाँ पे टकराई। जब भट्ट से टकराई तो ये सब है, सारा खजाना जो है इन्होंने छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे खूब बढ़िया तरीके से बारिश हुई, ठीक है। सो द सीजन इज मार्क, जैसे ही ऐसा होता है तो आपका मानसून आ गया। रिट्रीटिंग मानसून, जब वापस ये हवाएं पाए बाए, हम हो गया, बारिश करवा दी हमने, अब हमको छोड़ दो, जाओ जाओ कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। तो नॉर्थ ईस्ट में खूब बढ़िया बारिश होती है। बे ऑफ बंगाल में जो सीजन होता है इसको रिट्रीटिंग मानसून जो है वो बोला जाता है। सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होती है। तमिलनाडु में ये अक्टूबर नवंबर में खूब तगड़ी बारिश, रिट्रीटिंग मानसून है ना, बढ़िया सुहावना मौसम, ठंडा मौसम होता है। तो चेन्नई जाओ तो इसी सीजन में जाओ भैया। सो द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज कंडीशन, वेदर कंडीशन व्हिच हैज बीन मेजर्ड ओवर मेनी इयर्स। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली बी डिस्क्राइब एज मॉनसून टाइप। तो मॉनसून टाइप क्योंकि हवाओं से सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। तो मॉनसून मतलब हैवी रेन नहीं, मॉनसून मतलब मॉइस्चर वाली विंड आ रही है जिनमें, जिन हवाओं में नमी है ना, क्योंकि भैया देखो जो सन की रेज है वो समुद्र पे पड़ रही है, पानी ऊपर जा रहा है, इधर हवाएं आ रही है, तो ये जो पानी ऊपर गया ना वेपर्स, इसको लेते हुए आगे जा रही है, ठीक है। सो द मॉनसून कैरी वेरी एंड रेंज फ्रॉम थंडरस्टॉर्म दैट प्रोड्यूस स्प्रिंकल्स टू द वन दैट प्रोड्यूस टॉरेंशियल पोर्स। ईच सर्ज ऑफ मॉइस्चर इज डिफरेंट। वेयर डज द मॉनसून अकर, भाई कहीं पे भी, ट्रॉपिक्स में, कोलोराडो, यूटा, कहीं पे भी हो सकता है। इज द मॉनसून डिफरेंट एवरी ईयर, हाँ बिल्कुल सही बात है, कभी अच्छा होता है, कभी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो मानसून जो है वो अरेबिक वर्ड से लिया गया है भारत की लोकेशन को देखते हुए, क्योंकि भारत ट्रॉपिक्स में आता है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, मॉइस्चर ऊपर जा रहा है, बरसात हो रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो द गुड मानसून मतलब क्या हुआ, अच्छी बढ़िया मस्त बारिश हुई है, मजा आ गई। और क्लाइमेट जो है उसकी लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस, हर चीज पे डिपेंड करता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसे राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में अरावली रेंज है। अब अरावली की वजह से क्या हो रहा है, ये पैरेलल हवा आ रही है, और अब मैंने क्या बताया कि जब तक ये टकराएंगी नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से टकरा दी, बारिश हो रही है, लेकिन ये अरावली पैरेलल है तो ये हवाएं ऊपर से ही निकल जा रही है, तो इसलिए राजस्थान में बारिश ही नहीं हो रही है, समझ रहे हो। नॉर्दर्न पार्ट में भारत में अच्छी बारिश होती है, साउथ में बहुत अच्छी बारिश होती है, माउंटेन्स में भी अच्छी बारिश हो रही है, वहां पे बर्फ गिर रही है। तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस कितनी है समुद्र से, ठीक है ना। तो ये चीज है। नेचुरल वेजिटेशन की, वनस्पतियों की बात कर लेते हैं, पौधों के जीवन को देखते हैं, जैसे छोटे छोटे पौधे जिन्हें झाड़ियां और झाड़ियां जैसे कैक्टस और फूल वाले पौधे आदि कहते हैं, ठीक है, तो इनकी भी बात कर लेते हैं कि भारत में किस तरीके के ये वेजिटेशन है। अब खूब झाड़ियां झंकार आपको मिलेंगे, कई जगह बहुत ऊपर पेड़, जाओ आप कश्मीर जाओ, ये इतने लंबे लंबे पेड़ की गर्दनें टूट जाए ऐसा, ठीक है। और कई जगह रेगिस्तान में जो तो कैक्टस मिलेंगे, बहुत तेज कांटा लगता है कैक्टस का, खूना खून हो जाओगे। कुछ शब्स आपको देखने को मिलेंगी कहीं पे, आपको फ्लावरिंग प्लांट्स, उत्तराखंड में जाओ और स्प्रिंग मौसम में जाओ, हो क्या खूबसूरती है वहां पे, तो एक वैली ऑफ फ्लावर है भी। ग्रासेस, शब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट द इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। हम थोड़ी ना वहां पे जाके घास उगा रहे हैं, नहीं, अपने आप बढ़ रही है। पहले के जमाने में जब कुछ नहीं था, पहले के जमाने में क्या मतलब बहुत ही पुराने जमाने में सब जंगल था, क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश हुई, अपने आप उग रहा है। आज भी अगर जहां पे बारिश हो, यहां बारिश नहीं हो रही, वो एक दिन रेगिस्तान हो जाएगा,
सिंपल सी बात है, तभी कहते हैं बारिश को बहुत ज्यादा होना है वरना सब खत्म हो जाएगा। भारत में बारिश नहीं होगी तो भारत भी एक दिन रेगिस्तान हो जाएगा, राजस्थान भी एक दिन हरा भरा होगा, बारिश नहीं हुई खत्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे ही खत्म हुई थी, बताया था ना हिस्ट्री में एनसीईआरटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अमंग व्हिच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितनी कहां पे रेनफॉल हो रही है। ड्यू टू वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब भारत के अमनी पाने बताने ज्योग्राफिकल फीचर्स आप देखो अलग अलग है, तो इसीलिए भारत में ना अलग है, वेरिएबल है, राइट। सो वेजिटेशन ऑफ इंडिया पांच तरीके के है। एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब बारिशें होती जा रही है, हो ही रही है, हो रही है, वाह एवरग्रीन मतलब हमेशा। ब्राजील, अमेज़न चले जाओ, भारत में वेस्टर्न घाट्स में चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया के जंगल चले जाओ, अफ्रीका में आप चले जाओ, तो वहां पे खूब बारिश हो रही है। आप समझो कि इतने एवरग्रीन मतलब ये है कि उनमें हमेशा पत्ते रहेंगे। देखो आमतौर पे क्या होता है ना कि पत्ते गिरा लेते हैं अपने आप को, ठीक है। हर किसी को यहां पे दिमाग है, पेड़ों को भी दिमाग है, जब पानी उनके पास नहीं है तो वो अपना पत्ता गिरा लेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी उनके पास अवेलेबल नहीं है। दे विल शेड देयर लीव्स, गिराने को शेड बोलेंगे। यहां पे बारिश ही हो रही है तो जहां हमेशा बारिश होती रहेगी, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा बारिश है, तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब हमेशा पत्ते आपको लहलाते दिखेंगे। फिर आपके पर्णपाती डेसिडुअस जो अपने पत्ते गिरा लेंगे आपके गर्मी में, गर्मी में आप देखो आपको कहीं सर्दी में आपको पत्ते ही नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मानसून आएगा, जैसे स्प्रिंग आएगा, आपको पत्ते मिल जाएंगे। थॉर्नी, कांटे कटीली झाड़ियां, जब खूब कांटे होंगे। माउंटेन वेजिटेशन, पहाड़ों पे, और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि आपको कहां पे मिलेंगे, डेल्टास में मिलेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रॉपिक्स में खूब बारिश हो रही है, तो आपको अफ्रीका में, ब्राजील में, अमेज़न में खूब बढ़िया। आप समझिए कि इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप इन जंगलों में जाएंगे ना, आपको अंधेरा मिलेगा, क्योंकि ये ढक लेते हैं सूरज को, सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं आ पाती है, इतना होता है। तो अगर इन एरिया जहां पे अच्छी खासी हैवी रेनफॉल होती है 200 mm से ज्यादा, तो बहुत सारी स्पीशीज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, देयरफॉर दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब हमेशा सदाबहार यहां पे पत्तियां रहेंगी इस तरीके की, ठीक है। कभी नहीं ये आपको गिरने को मिलेंगे, बड़े बड़े कैनोपी बहुत बड़ी होती है इनकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा, महागोनी, एबोनी, रोजवुड, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज है, ठीक है। अंडमान और निकोबार में जहां पे बारिश अच्छी खासी हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वेस्टर्न में, वेस्टर्न घाट्स में आपको, क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है तो आपको कोस्टल एरिया के पास है, आपको इस तरीके के फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। इनकी जो लकड़ी है ना वो बड़ी ठोस होती है, तो जो वुड का फर्नीचर का काम होता है ना, बढ़िया। अगर आप, ये बड़ी महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, आपकी हालत खराब हो जाएगी इनको खरीदने में अगर इसका काम हुआ है तो, ठीक है, ये चीज है। देन उसके बाद आपका ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट आता है, ये पर्णपाती है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट की, जब मॉनसून आएगा तब तो ये खूब लहलाएंगे, लेकिन बाकी के समय ये दे विल शेड देयर लीव्स, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। सो ये इतने डेंस नहीं होते हैं, दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से, साल, टीक, टीक के तो बहुत अच्छी लकड़ियां, पीपल जो आप देखते हो ना पीपल के पत्ते, नीम, शीशम, अब जब भी आप नीम, शीशम, पीपल, साल, टीक को देखोगे ना, अरे इनके तो पत्ते गिर जाएंगे, ऐसे याद रखो। एनएलपीसी को ही कहते हैं कि देख देख के याद रखो, क्या पीपल, हम तुम्हारी पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बेटा तुम्हारे पत्ते गिर जाएंगे, पीपल बोला चल भाई ऐसे सही यही चीज है। ये एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में आप जाओ नासिक, त्र्यंबकेश्वर जाओ, और जाओ कब जाना, आप जुलाई अगस्त या सितंबर में जब बारिश हो, आपकी सांसें रुक जाएंगी, इतना खूबसूरत, क्योंकि पूरा ग्रीन हो गया है वो। यहीं अगर आप जाड़ों में जाओगे, यहीं अगर आप गर्मी में जाओगे तो पूरा खत्म हो गया है, मतलब आपको पत्ते ही नहीं मिलेंगे। अभी जैसे मैं इंदौर गया था, तो इंदौर में ओंकारेश्वर गया था, तो घाट सेक्शन आता है वहां पे, ठीक है, भैरव घाट, तो अब वहां पे पत्ते ही नहीं, लेकिन अभी मैं अब जब जाऊंगा यहां पे बारिश के मौसम में, तो आप देखिएगा आपकी सांसें, इतनी खूबसूरत होता है वो, ठीक है। तो ये होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थॉर्नी, ये आपको कहां पे मिलेगा, राजस्थान में, यानी कि रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में आपको कैक्टर, खैर, बबूल, कीकर, दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान।
पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स और गुजरात, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब इनकी जो लीव्स होती है ये अपने पानी को रोकने के लिए लॉस ऑफ, क्योंकि ये ऐसी जगह पे जहां पे ज्यादा बरसात नहीं हो रही है तो पानी चाहिए ना इनको ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए ये कांटे उगा देती है। नेचर ने ऐसे ही सबको सर्वाइव करना जो है वो दिया है, ऐसे ही सर्वाइव होता है। माउंटेन आपको मिलेंगे, पहाड़ों पर मिलेंगे, ठीक है ना। According to the variation of height, with increase in height, the temperature falls. जाहिर सी बात है, जैसे जैसे height बढ़ती जाएगी temperature गिरता जाएगा। अब वहां पे ऐसे पेड़ survive नहीं कर सकते। 1500-2500 मीटर पे ज्यादातर trees जो है वो conical shape में आपको देखने को मिलेंगे ताकि water को store किया जा सके। इसको coniferous forest कहते हैं, ठीक है ना। चीड़, पाइन, देवदार, ये सारे important trees हैं। चीड़ के पेड़, पाइन, लंबे लंबे जो नहीं होते हैं, आप उत्तराखंड जाओ, नैनीताल जाओ, आप कश्मीर जाओ, आप हिमाचल जाओ, वहां पे आपको यही लंबे लंबे कॉनिकल शेप में जो आपको इस तरीके के देखते हो ना, इस तरीके के जो पेड़ देखने को मिलते हैं ऐसे, यही होते चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, मजा आ जाती है भैया, ठीक है ना। ओके, ये इस तरीके के है ना। आगे देखते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको डेल्टास में देखने को मिलेंगे, सुंदरबन डेल्टास, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि इनको सैलाइन वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अब ये डेल्टा में आपका समुद्र का पानी भी आता है, तो यहां मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सुंदरी जो है, इट्स अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज, ठीक है, जहां पे जिसका नाम ही सुंदरबन डेल्टा, इसीलिए क्योंकि इस तरीके के फॉरेस्ट इनकी जो देख रहे हो ना, ये जो डाल है ये पूरा समुद्र के नीचे तक जा रही है, मतलब पानी के नीचे तक जा रही है। फॉरेस्ट क्यों जरूरी है मुझे बताने की जरूरत है, क्यों जरूरी है खुद ही बताओ भाई। फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है, लकड़ियां मिलती है। फॉरेस्ट हमको जीवन देता है, फॉरेस्ट हमको बारिश देता है, फॉरेस्ट हमको बहुत सारे मिनरल्स देता है, फॉरेस्ट हमको खेती देता है, सब कुछ देता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमको फ्रूट्स देता है, फॉरेस्ट हमको, फॉरेस्ट ये है तो हम है, ठीक है। सो वेरी यूजफुल, बहुत सारे फंक्शन है भाई। सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही हमको वहां से मिल रही है, सॉइल इरोजन को रोकता है भाई, लैंडस्लाइड नहीं होती। आपको पता है ना कि पानी आता है तो फॉरेस्ट सोख लेते हैं, आप पेड़ काटते जाओगे पानी आएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। टिम्बर मिलता है आपको खूब सारे, फ्यूल वुड होता है, फॉडर होता है, फ्यूल वुड भैया पहले के जमाने में यही लकड़ियां, कुछ लकड़ियां बहुत बढ़िया जलती हैं तो वहां से लेके आ रहे हैं, ठीक है। फॉडर चारा के रूप में हम यहाँ पे फॉरेस्ट को यूज करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारी, आयुर्वेद बहुत कुछ हम फॉरेस्ट से बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं। नीम जैसे एक बहुत ही अच्छा डेसीडुअस ट्री है, ठीक है। हर्ब्स, हनी, गम, ये सब मिलता है यहाँ से, और नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ। भाई अगर फॉरेस्ट नहीं होगे तो वाइल्ड लाइफ ही नहीं, भी फूड चेंज खत्म हो जाएगा, फूड चेन खत्म हो जाएगी, इकोसिस्टम खत्म होगा तो हम ही खत्म हो जाएंगे, मतलब धरती खत्म हो जाएगी एक तरीके से। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, वैसे तो आजकल बहुत तेजी से ये डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ बहुत सारे, आपको एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ढेरों वेराइटी आपको यहाँ पे इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए देखने को मिलेगी। बाघ जो है, अभी जैसे टाइगर सेंसस हुआ था, नरेंद्र मोदी गए थे ना, तो टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मिलेगा। गिर, आप गुजरात में आपको गिर फॉरेस्ट में आपको लायंस देखने को मिलेंगे, ये राइनोसेरस है ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिप्पोपोटामस देखने को मिलेगा, अभी सारस, आरिफ और सारस की कॉन्ट्रोवर्सी, वो देखने को मिलेंगे। बहुत वेराइटीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है, बाकी पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीस, बुलबुल, डक्स, ये सब आपको देखने को मिलेगी। बर्ड सेंचुरी इनमें बनाई गई है। एलिफेंट्स, वन हॉर्न डायनोसॉरस आपको आसाम में देखने को मिलेगा, एलिफेंट आपको साउथ में देखने को मिलेगा, बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब कैमल और वाइल्ड ऐसे जो आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे। ये सब फॉरेस्ट अलग 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 जंगल में अलग अलग चीजें आप देख सकते हो, आपको पता है, यही तो खूबसूरती है भारत की, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज, देखिए भारत को सांपों का देश भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोबरा मिलता है, तो कोबरा, क्रेट, ये सब आपको मिल जाएंगे। भैया मुझे सांप से बहुत डर लगता है, हिंदुइज्म में सांप को रेस्पेक्ट किया जाता है, जो इब्राहिमिक रिलीजन है उनमें सांप को शैतान माना जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में सांप की पूजा की जाती है, ठीक है। ये चीज है, तो फॉरेस्ट हंटिंग ये सब जितनी भी है, मेनी स्पीशीज अब बहुत एक्सटिंक्ट हो गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए गए हैं। सरकार ने भी प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट जो है, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, ठीक है। बहुत सारा माइग्रेशन भी होता है, इलाहाबाद जाओ फरवरी में संगम, तो वहां पे आपको माइग्रेशन खूब सारी जो बाहर से सर्बिया से जो बर्ड्स आती है ना वो आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे गंगा में भी आप जाओ, बनारस जाओ, वहां पे आपको तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती है जो कि बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करती है, और इनमें इनके दिमाग में ही जीपीएस फिट होता है, ठीक है ना। सो पिनटेल, डक्स, कर्ल्स, फ्लेमिंगो, लिटिल स्टिंग, ये
बहुत दूर तक जाती है और हमारे देश में भी आती है ये सब, ठीक है। तो ये लेक्चर था, क्लास सिक्स की एनसीईआरटी खत्म हो गई। समझे कि नहीं? भारत के बारे में समझे आप, सोलर सिस्टम के बारे में समझे आप, फिजिकल फीचर्स के बारे में समझे आप। अब इसी को ही आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली क्लासेस में हम एक्सप्लोर करेंगे, डीप डाइव करेंगे। समझ गए? बहुत अच्छे, बढ़िया। अब देखो जो भी लेक्चर्स आएंगे ना बेटा, वो अब पेड कोर्स में आएंगे। जो तो क्लास सेवन की एनसीईआरटी या एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे। सिक्स की एनसीईआरटी तो पब्लिक थी, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।